कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भंडारी हॉस्पिटल के नजदीक कैनाल बाईपास रोड को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शुक्रवार को पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड संजय किशोर के नेतृत्व में कैनाल बाईपास रोड को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा कैनाल बाईपास रोड को अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, जबकि रोड में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे छोटे दोपहिया वाहन चोटिल हो रहे हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी अभी तक रोड के गड्ढे भरे नहीं गए हैं। कहा कि कुछ रोज पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान के निर्देश पर गड्ढों का भरान हुआ था, जिस पर चिकनी मिट्टी डाली गई, जो कि पहले ही बरसात में घुल गई। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, आज आप यहाँ धरने पर बैठे, कैनाल रोड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धरने की घोषणा पूर्व में की है। 2018 से लगातार इस रोड से पूरे शहर के वासियों का आना जाना है। यहाँ पर लोग निवास भी करते हैं, पीछे कॉलोनी है और व्यापार भी करते हैं। यहाँ पर भंडारी हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर मरीज दूर दूर से आते हैं। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी यहाँ पर खड्डे इतने ज़्यादा हो गए हैं, जिसमें हमेशा हम देखते हैं कि एक बरसात आने से पहले कुछ मिट्टी और रोड ही भर दी जाती है, तो बारिश के पानी में उसमें फिर खड्डे हो जाते हैं, तभी वो कोई कामयाब नहीं होती। लेकिन उस पर कोई भी रिपेयर का काम, कोई नई बनाने का काम जो उस पर होना चाहिए था, वो रिपेयर तो प्रॉपर हो नहीं रही, नई बनाने का भी कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, तो समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगा कि इसमें कोई स्वीकृति हुई है। हम उसके टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहते, हमारे दोस्तों ने उसे डिटेल से बताया है, लेकिन स्वीकृति हुई है या नहीं हुई है वो बताने वाले जानते होंगे। हमारे भाइयों ने सोशल मीडिया में भी उसे बहुत प्रचारित करा, तो आप भी पत्रकार हैं, आप भी उसको जान सकते हैं कि क्या उसका प्रारूप है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारा कहना यह है कि ये रोड पूर्णतया जो उन्होंने कहा है कि बरसात के बाद हम इसे बनाएंगे, तो इसकी निविदाएँ आमंत्रित करें, इसमें कुछ काम बरसात के बीच में भी हो सकता है, और जल्द से जल्द इस रोड को पूर्ण करने का काम करें, ताकि शहरवासियों को सुविधा मिले। बाजार का ट्रैफिक जो ई रिक्शा वाले ही मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए भी ये रोड जीवन देने का काम करेगी, वो इस रोड पर बेरोक टोक बिना चलान के चल सकते हैं। अगर इस रोड को बनाया जाए अच्छी तरह, नहीं अगर नहीं बनेगी तो फिर ये धरना और प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। अब आप देखिए कि पछी वाले की एक छोटी सी पुलिया है, उसके तो टेंडर भी हो गए, उसमें ठेकेदार काम भी कर रहा है, पता नहीं किस ठेकेदार को वो ठेका दिया गया है, वो आज तक आधा काम पड़ा है, 6 महीने से वो छोटी सी पुलिया नहीं बन रही है, एक बड़ी आबादी उससे प्रभावित हो रही है, उस पुलिया को पूरा करने का काम नहीं हो रहा है, उस पर किसी अधिकारी की, किसी सम्मानित नेता की कोई नज़र नहीं है कि भाई जब टेंडर भी हो गए तब नहीं हो रही, इसका तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, ये कहाँ से हो जाएगी? और हो जाए, हम तो कह रहे हैं बहुत हमारे ऊर्जावान विधायक हैं और इस पर लग के करें और इसे तुरंत करवा दें, बहुत अच्छी रोड ये बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा ये सबके लिए।